हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं राजस्थान की बहुत ही फेमस और रॉयल डिश गोविंद गट्टी बनाने वाली हूँ। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। गोविंद गट्टे का डो बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए बेसन, दही, घी और कुछ सूखे मसाले, जिसमें है हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, बेकिंग सोडा, कसूरी मेथी और नमक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक कप बेसन लिया है, इसमें मैं सारे सूखे मसाले, बेकिंग पाउडर डाल दूंगी, दो चम्मच घी मोयन के लिए और दो बड़े चम्मच दही। इससे जो गट्टा है वो बहुत सॉफ्ट बनता है और वो जो बेसन का कच्चापन है वो भी नहीं आता है। तो चलिए इससे एक डो बना लेते हैं। तो डो यहाँ पे तैयार है। अगर आपको डो बनाते समय हाथ में अगर ये चिपके तो आप हल्का ऐसे घी लेके और ऐसे मिला सकती हैं, इससे डो एकदम सॉफ्ट बनेगा। अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे। जितनी लोइयां आपको चाहिए उतनी लोइयां बना लीजिए। अब हम इसकी लोइयां काट लेते हैं। क्योंकि ये गोविंद गट्टे हैं तो इसमें स्टफिंग जाएगी। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे मेवा लिया है, फ्राइड चॉप्ड कैशू लिया है, नमक, काली मिर्च पाउडर और फ्राइड चॉप्ड किशमिश लिया। इन सबको मिला के हम एक स्टफिंग तैयार कर लेंगे। नमक हिसाब से लीजिए। सारे गट्टों को मैंने स्टफ करके रख लिया है। अब हम इसे बॉइल्ड वाटर में ब्लांच करेंगे। ब्लांच करने के लिए मैंने यहाँ पे पानी डाला है, पानी हो रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक, एक बड़ा चम्मच दही और एक चम्मच घी इतना डाल के और थोड़ी देर बॉइल करूंगी। इसके बाद मैं गट्टों को डालूंगी। पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, धीरे धीरे हम गट्टों को डालेंगे। ध्यान से डालिएगा। जब ये कुक हो जाएंगे तो अपने आप ऊपर आ जाएंगे। मीडियम फ्लेम में हमें इसे बॉईल करना है। करीब 4 से 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि गट्टे ऊपर आ गए हैं। अब हम इसे निकाल के और डीप फ्राई करेंगे। पानी को फेंकना नहीं है, पानी हम ग्रेवी के लिए यूज करेंगे। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तेल गरम है, हम गट्टों को फ्लेम मीडियम रखिएगा। देखिए आपस में चिपके नहीं। स्लो टू मीडियम फ्लेम में हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ग्रेवी बनाने के लिए हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए 1 चम्मच, धनिया जीरे का पाउडर, धनिया पत्ता, पिसी हुई टमाटर, दही, सौंफ पाउडर, बीकानेरी भुजिया या कोई भी नमकीन भुजिया, सूखी लाल मिर्च, कसूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, यहाँ थोड़ा सा सौंफ, जीरा, अजवाइन। तो तेल गरम हो रहा है मेरा यहाँ पे, मैं थोड़ा इसमें 1 चम्मच के लगभग घी डालूंगी। अब हम जीरा, सौंफ और अजवाइन कर लीजिए, सूखी लाल मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट में मैंने थोड़ा पानी डाल लिया है। अब मैं इसे डालूंगी और तड़का करूंगी। एक से दो मिनट पकाना है। अब मैं इसमें 1 चम्मच बेसन डालूंगी, इससे ग्रेवी गाढ़ी बनेगी। अभी हल्दी पाउडर और सूखी लाल मिर्च पाउडर। थोड़ी सी हींग,
2 से 3 मिनट तक पकाना है ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो चला जाए। अब हम टमाटर की प्यूरी डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। टमाटर भी पक गया है, अब धनिया और जीरे का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून सौंफ पाउडर, मसाला भुन गया। अभी मैं गैस बंद कर दूंगी क्योंकि मैं दही डालने वाली हूँ। अगर मसाला गर्म रहेगा और हम दही डाल देंगे तो फिर वो फटने के चांसेस होते हैं, तो थोड़ा ये ठंडा हो जाए फिर मैं दही डालूंगी। मसाला थोड़ा ठंडा हो गया है, अब मैं इसे 3 चम्मच दही डालूंगी, 3 बड़े चम्मच है ये, और इसे चलाते रहना है। गैस भी मैंने ऑन कर लिया है और इसको चलाते रहे। दही भी अच्छे से भुन गया है 3 से 4 मिनट में, स्लो से मीडियम आंच में, और अब मैं इसमें ये भुजिया डालूंगी। इससे ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, गाढ़ी बनती है ग्रेवी, और जो भुजिया का टेस्ट है वो भी इसमें आ जाता है, तो ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनती है। कभी भी आपको लगे कि मसाला चिपक रहा है और पानी आपको ऐड करना है तो वही जो हमारा पानी था बॉइल जिसमें मैंने किया था गट्टे को, वही पानी डालिए। सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, जो मैंने भुजिया डाला था वो भी अच्छे से मिल गया है ग्रेवी में। अब हम गट्टे डालेंगे। इसे भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिला लेना है मसाले में, और हम जो पानी रेडी करके रखे थे वो पानी इसमें डालना है। अब मैं पानी ऐड कर रही हूँ। जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसे थोड़ा ज़्यादा पानी डालिए, क्योंकि ये बॉईल होगा, ये कुक भी होगा ग्रेवी में। तो अब बस मैंने पानी डाल दिया, इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक पकाना है। स्लो फ्लेम में मैंने इसे 7 से 8 मिनट तक पकाया है। गोविंद गट्टा बनकर बिल्कुल रेडी है। आप बीच बीच में एक बार चेक करिएगा कि ये चिपके नहीं। तो अब हम इसमें कसूरी मेथी और धनिया पत्ता, देखिए बहुत ही टेस्टी दिख रही है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। गोविंद गट्टे बनके तैयार है, ये बहुत ही टेस्टी बने हैं, ये 2 लोगों के लिए सफिशियंट है। इसे आप घर पे जरूर बनाइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए कीप कुकिंग एंड कीप वॉचिंग।